think this is a great initiative by HelpAge and Esprit, wherein people donate their old watches. Esprit refurbishes them, and then they're donated to HelpAge India, which further gives them to poor, destitute people, older people and senior citizens. मैं मानती हूँ कि एस्प्री का जो ये इनिशिएटिव है बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और दाद देनी पड़ेगी एस्प्री की कि उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया और एक तरीके से सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और मैं बस गुजारिश करूँगी बाकी सब ब्रांड्स से उधर कि जो जो और ब्रांड्स हैं उन्हें भी इस तरीके की CSR एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए. सबसे पहले तो हेल्पेज इंडिया की तरफ से मैं एस्प्रिट टाइम वेयर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जहाँ पर उन्होंने बुज़ुर्गों को मदद करने के लिए सोचा है. वैसे देखा जाए तो एक छोटी सी संकल्पना है ये कि भाई आपकी जो यूज़ की हुई घड़ी आप दीजिए अच्छी है, और बाद में ये घड़ियाँ उन्होंने हेल्पेज इंडिया को डोनेट की है जो हम ऐसे गरीब और निराधार बुज़ुर्गों को देंगे, और ऐसे बुज़ुर्गों को देंगे कि जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है. और ये जो घड़ी देने का, इसलिए जब इन्होंने ये सोचा तो सबसे पहले इन्होंने गुलपनाग जी से कांटेक्ट किया, और गुलपनाग जी ने यहाँ पर खुद अपना जो वॉच है वो आज हेल्पेज इंडिया को डोनेट किया है, आपने सबने देखा ही है. तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ वॉच नहीं है, घड़ी नहीं है, एक सिंबॉलिक है. इसके पीछे से एक मैसेज ये जाता है कि अगर आप भी समाज में बुजुर्गों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हो. सो देर आर मेनी वेज दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ एल्डरली पीपल. दिस इज द मैसेज वॉट दे वॉन्ट टू गिव. उन्होंने भी अपने जैसे एज और टाइम, ये दोनों के बारे में जितनी साम्यता है आप अगर कहो तो बहुत ही है, करेक्ट. उम्र भी बढ़ती है समय के साथ साथ, इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छी तरह सोचा कि क्यों ना बढ़ते हुए समय के साथ साथ बढ़ती उम्र को भी ध्यान में रखा जाए और हेल्पेज इंडिया को मदद की जाए. इन दिस स्टोर वी गॉट मोस्टली आवर ब्रांड्स वॉचेस स्टार्टिंग विद एस्प्री कलेक्शन, पूमा, पियर कार्डन, एंटोनियो बेनिनी, चेरुटी, कैसियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट दिस ऑफर एस्पेशली इज फ्रॉम द ब्रांड एस्प्री, which wants to do something socially and something for the old people.